साइंस से ग्रेजुएट, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग और अमेरिका से मास्टर ऑफ साइंस जैसी डिग्री लेने के बाद यदि कोई डेयरी प्रोडक्ट्स पर काम करता नजर आए तो यह थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं अगर इंसान एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े तो वह छोटे से छोटे काम करके भी सफल हो सकता है। इसी बात को साबित किया है वर्गीस कुरियन जी ने, जिन्हें अमूल कंपनी का फाउंडर माना जाता है। दोस्तों दरअसल अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात के छोटे छोटे गांव के गरीब दूध उत्पादकों को उनका हक दिलवाने के लिए किया गया था और यह बात है करीब 1946 की, जब भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। उस टाइम गांव के गरीब किसानों को दूध मजबूरन दलालों को बेचना पड़ता था, जो कि उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के तौर पर खा जाते थे। हालांकि गरीब किसानों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि कुछ ही गिनी चुनी कंपनियों ने पूरे देश में अपनी दांत जमा रखी थी। गांव के गरीब दूध उत्पादकों को उनका हक दिलवाने के लिए त्रिभुवन दास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी भाई देसाई के साथ अमूल कंपनी की शुरुआत की, जिसका रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 1946 को एक कोऑपरेटिव कंपनी के तौर पर किया गया। दोस्तों कोऑपरेटिव कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसे बहुत ही सारे लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया होता है। आगे चलकर त्रिभुवन दास के कहने पर 1949 में वर्गीस कुरियन ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने 1948 में अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। दोस्तों वर्गीस कुरियन अगर चाहते तो वे एक अच्छी खासी नौकरी करके भी ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने देश के किसानों की सहायता करना पसंद किया। कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आई कि पोल्सन डेयरी ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा रखा था। क्योंकि पोल्सन डेयरी उस समय एकमात्र सबसे बड़ी डेयरी कंपनी थी, इसीलिए गरीब किसानों को बिचौलियों के माध्यम से मजबूरन उसी कंपनी को दूध बेचना पड़ता था, वो भी बहुत कम दामों पर। लेकिन तभी उनके हक को याद दिलाते हुए लोगों को समझा बुझाया गया कि पोल्सन डेयरी को दूध न बेचे और अपने इस कोऑपरेटिव कंपनी को ज्वाइन करे ताकि बिचौलियों से बचा जा सके और दूध के सही दाम मिल सके। धीरे धीरे गरीब किसानों को अमूल कंपनी का यह मॉडल समझ आने लगा और इस तरह से बहुत सारे दूध उत्पादक किसान कंपनी के साथ जुड़ने शुरू हो गए। और दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ एकता है वहाँ जीत है। अमूल कंपनी के दूध धीरे धीरे पूरे देश में पहुँचने शुरू हो गए और फिर वर्गीस कुरियन ने कम से कम लागत में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके ऐसा मॉडल तैयार किया। उन्होंने दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए और लोगों को सुविधा हो सके इसीलिए इस प्रोसेस को कई लेवल में बांट दिया, जिसमें सबसे पहले गांव-गांव एक यूनियन बनाया गया और वहां पर प्लांट की भी स्थापना की गई। गांव से दूध की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे आगे जिलों पर भेज दिया जाता था और फिर वहाँ भी जाँच के बाद उसे राज्य स्तर पर भेज दिया जाता था, जहाँ पर उसकी पैकिंग होती थी और कुछ इसी प्रोसेस के जरिए दूध लोगों के घरों तक पहुंचते थे। जल्द ही कुरियन की मेहनत और लगन रंग लाने लगी और अमूल कंपनी एक के बाद एक बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करने लगी। लेकिन इस कंपनी के सफलता में एक बड़ा योगदान मिल्क पाउडर का भी था, जिसे कि भैंस के दूध से अमूल ने पहली बार बनाया था और फिर आगे भी अमूल कंपनी ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ। और अगर आज के समय की बात करें तो अमूल के साथ करीब 35 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो कि रोज दूध की सप्लाई करते हैं। हालांकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे शख्स भले ही इस दुनिया में ना हो लेकिन उनके विचार और कर्म हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये थी कहानी द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल की। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसे मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।